आजकल जिस तरह बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ नजर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि बिहार में छठ का पर्व जल्द ही मनाया जाने वाला है। वैसे भी छठ सिर्फ बिहार में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि झारखंड के साथ साथ यह यूपी के भी काफ़ी बड़े हिस्से में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा भी आज बिहार के रहने वाले लोग देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वहां पर भी वो लोग छठ को पूरी शिद्दत के साथ मनाते हैं। यही वजह है कि छठ के पर्व से अब पूरे देश का परिचय हो गया है। इससे भी बड़ी बात तो इस बार यह रही कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम पर छठ के महत्व पर खास जोर देते हुए इस त्यौहार के महत्व को समझाया। बिहार के लोगों ने जब मोदी जी के मुख से छठ पूजा को लेकर इतनी बातें सुनी तो उन्होंने भी यही कहा कि मोदी जी पर छठी मैया की कृपा जरूर बरसेगी। वैसे सिर्फ मोदी जी ही नहीं बल्कि देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां छठ को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं। वैसे इस पर्व की विशेषता यही है कि इस पर प्रकृति की पूजा की जाती है और उगते सूरज के साथ ही डूबते सूरज की भी आराधना की जाती है। बहरहाल छठ का यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और स्वास्थ्य समृद्धि के साथ साथ प्रकृति के सूर्य भक्त सूर्य देवता की पूजा करते हैं। खैर, जिस तरह से मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा का जिक्र किया है वो वाकई बड़ी बात है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।